अरे पूरा सत्यानाश कर दिया उसने, क्या क्या सोचा था आदमी ने, साला बहले ही निकला पूरा और क्या। ओह नो। क्या बोलोगे भैया आज के समय में यार, अरे कोई किसी की नहीं मानता, सब मन के राजा हो गए साला। अरे बस भैया रखो यार रखो, फिर बाद में मिलेंगे जब बात कर लेंगे। अब क्या बताऊंगा, अभी फोन में उतनी बात नहीं होती। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ क्यों जी। हाँ मैं फिर मिलता हूँ ना, फिर बात करते हैं। अरे हाँ ठीक। एक तरफ रखो फोन को, मैं तुमको रात से पूछ रही हूँ कि बताओ बताओ मेरे को क्या हुआ और कैसा हुआ। क्या क्या लिपड़े लिपड़े पूछती है वो। पूछूंगी नहीं, क्या क्या हुआ, कैसी हुआ, कैसी बात हुई। अरे साला तुम्हारे औरतों का ना यही टेंशन है। फिर औरतों को टेंशन, मैं तुमको टेंशन नहीं देती बिल्कुल भी। सारा बताती हूँ। तेरे को रात में बताया ना मैंने। क्या तुम अच्छे से पूरी बात बताई, कहाँ हो तो मेरे को, इसलिए तो पूछ रही हूँ ना मैं। अरे यार सुन अब, हम गए यहाँ से। हाँ तुम तो गए, मैंने देख ली थी कमांडर से। आओ देखी थी ना। उसके आगे का बताऊँ क्या। आओ आगे का बताओ, आगे का। वहाँ गए बढ़िया। बाबू का गुस्सा तो तू जानती है फिर। हाँ ऐसा लाल पीला हो रहा था। और तेरे को मालूम है कि बाबू से ज्यादा गुस्सा वाला तो तेरा घर वाला है। नहीं इसमें कोई शक की बात नहीं है जी, तुम गुस्से वाले। जब आवाज दिया दरवाजे पे ना, लग 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 कांपने लगे थे पूरे घर भर के। अच्छा घर भर के कांपे थे, घर तो नहीं कांपा था ना। अरे तो घर मिट्टी का है ना वो, कैसे साली। हाँ ले ले। तब बाबू ने आवाज दिया, ने काल पी के माजन कहने लगा। हाँ सही बोले जी। अच्छा बाबू ने बोला मैंने नहीं। आओ तो बाबूजी ने सही बोले। हाँ उसके बाद मेरे सिर पे हाथ रखा, चिल्ला रहे गोविंद तू भी कहने लगा। फिर तो ऐसा है, आदेश मिला ऊपर से तो अपन कम नहीं करते। जानती है एक बार तेरे मायके में गया था, पड़ोस वाले ने कैसे तेरे को कैसा बाई कहा था, तो दनाई दन दिया था साले को। वो तो प्यार था तुम्हारा जी, इसलिए मारे थे दना दन, नहीं तो क्या। उसको मारने में प्यार था तो नहीं, मेरे लिए प्यार है ना तुमको। फिर हम बैठे मालूम, बाबू ने कहा मेरे लड़के को बाहर भेज। हाँ तुम तो बाहर ही थे ना। अरे मेरे को नहीं, वो तो साली घोपड़ा सोनिया को। बोले बाहर भेज, मैं अपने लड़के को लेने आया हूँ। अच्छा वो हाथ पैर छोड़ने लगा, कहने लगा महाजन साहब आए हो, बैठ तो जाओ, जो भी बात है हम बैठ के करेंगे, ऐसा कहने लगा। लेकिन एक बात सुनो तो, सोनू को संदूक में रखा था या कहीं और छुपा के रख दिया था। साली वो कोई रखने का सामान है क्या। तुम्हें तो बोल रहे हो निकाल निकाल उसको तो छुपा। अरे वो बांग्या ने गलती किया, इतनी बड़ी तो छुपता नहीं तो क्या। आओ डर के मारे। हाँ। बड़े भैया हैं, बाबूजी हैं। हाँ। आओ सही बात है। हाँ। आप फिर बैठे सोफा पे। आओ क्या है ये। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीडीटी। डीडी इसका लिख सकते हैं, किधर गया किधर गया किधर गया। डाइफेनिल डाइक्लोरो डाइएथिलीन ट्राइक्लोरोफिनॉल डाइक्लोरो डाइएथिल ट्राइक्लोरोफिनॉल डाइफेनिल इस पे आ गया। व्हाट इज द फुल फॉर्म। क्या इंग्लिश पढ़ती रे, तेरे को पढ़ना नहीं आता, अटक के बोलती है तू। तेरे को आता है। हाँ जबरदस्त आती है, बता भला। ले ले पढ़ के बता, पढ़ के बता। हाँ ले 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 हो गई पढ़ के खत्म। हाँ सोच ले, अब भी पूछूंगी फिर। हाँ पूछ ले, देख तू अब पूरी पढ़ लिया ना। हाँ कैसे पूछ लूँ। पूछ ले। पेज नंबर बता रही हूँ, 50 पेज नंबर में बता क्या लिखा है। पचास पेज नंबर में क्या लिखा है रे। ये पढ़ा तू। हाँ अच्छा तो मैं खुद ही पढ़ लूंगी, निकल यहाँ से। तो बताते रहता है वहाँ पे, याद है तेरे को पढ़ते। मगर महक तू ये बता, तू इतने दिन से बाहर पढ़ रही थी तो वहाँ भी पढ़ रही है यार, यहाँ भी पढ़ रही है। हाँ तो नहीं पढ़ू तेरे जैसे, यहाँ पे गोबर जैसे बन के रहूँ क्या। ले क्या लू, दे ले, छोड़ना ये कापी आपी तो छोड़ना। काई के लिए, तुम्हारे जैसे गोबर बन के रहूँ पढ़ूंगी नहीं तो क्या करूंगी। तो आज अपनी भाभी आ रही है, तेरे को पता ही नहीं। भाभी आ रही है आज मंजरी वाली। बाप रे। हाँ
पूरी हड्डी है रे पतंगा जो का आओ नहीं मैंने देखी, मैंने देखी थी एक बार बस, उसके बाद से आज तक कभी देखी नहीं। हाँ तो अभी भी वैसी है तितली। तितली? हाँ अभी उड़ती पतंग कह रहा था ना। अरे वही है तितली, वो पतंग ही है, आज आ रही है। चल काम का खचंजर। मैंने क्या अच्छा सोचा था रे, डीजे में नाचूंगा। कैसे कैसे नाचूंगा? डीजे में बजेगा गाना तो तभी तो नाचूंगा। कैसे नाचेगा तो? ओह नो, ऐसे करके। बे तू ऐसा नाचेगा बांगा जैसे, कभी कुछ ऐसे अच्छा वाला डांस वांस सीखा करना, ऐसे तितली जैसा नाचता है एकदम। तो क्या डांस करूंगा तो? अरे मेरी सहेली लोग ना तेरा डांस देख के इतनी हंसी उड़ाती, क्या बताऊं। सही में? आओ, एक हाथ तो सेट हो जाएगी मेरे से। इतना अच्छा नहीं करता। सही में? बेकार डांस की बुराई हो रही थी तेरी, तो मैंने फिर बताई कि मैंने कहा छी क्या डांस करता है तितली जैसा एकदम। तू ऐसी बात कर रही है, मेरा भी एक हाथ जुगाड़ करवा दे रे महक। भैया की शादी में भी ना ढपली बजी थी ना, तो मेरे को अच्छा नहीं लगा। मैंने सोचा कि सोनिया भैया की शादी होगी तो उस पर डीजे में नाचूंगा। मैंने सुन तो, और एक बात तो बताने भूल गया। मैंने बताया बाबू की शादी की सारी फोटो देखा, मगर अपन तीनों भाई चारों बहन भाई थे ही नहीं का। नहीं दिखे? नहीं दिखे, क्या पता क्यों नहीं। बाजू वाले घर की शादी में गए थे अपन, ऐसा लग रहा है। सही में? आओ। और फिर बात चालू हुई। बाबू ने कहा कि मैंने अपनी इतनी बड़ी जिंदगी में पहली बार देखा हूँ किसी लड़की को लड़का भगाते हुए गए थे। अच्छा। और पी के माजन जब आग हुआ तो क्या आगे की तो बात बताओ तुम। तो बता तो रहा क्या आपकी साली फिर कहती है की थोड़ी थोड़ी बता देते हो। समझ नहीं रहे मैं कौन सी बात कर रही हूँ। तू जो बता तो कौन सी बात कर रही है? सबसे पहले ये कि वो कब आएगी, और दूसरी बात है कि दहेज लाएगी कि नहीं लाएगी। oh, no. अरे आते ही होंगे, बाबू ने कहा है मैं लेके नहीं जाता, तू आना लेके कह के सोनिया को बता दिए। गलती करे ना जी, तुम जाते तो वो कमांडर के अंदर अच्छे सारे सामान भर के नहीं लाना था तुमको। ठेंगा देने वाला है तेरे को, साले सम्मेलन में शादी हुई है और तेरे को क्या ठेंगा दहेज मिलेगा? ठेंगा की बात नहीं, मेरे को एसी चाहिए एसी। वो लंडोरिया ने एसी के लिए बोला था मेरे को। अच्छा? क्या सामने में ऐसा चलेगा, पूरा घर उड़ेगा तुम देखना, ऐसी एसी लाऊंगा बोला था मेरे को। अरे तेरी ऐसी तैसी रहन दे। ऐसी तैसी नहीं ना जी, एसी एसी। अरे वही जो भी है ऐसी तैसी कहनी, एसी कह रहन दे, खाक मिलने वाला है वहां से। खाक नहीं, नहीं मिला तो देखना हूँ, आने नहीं दूंगी घर के अंदर उसको। अरे भी वो तो आ ही रहे होंगे और क्या, जगाने नहीं। एसी तो चाहिए मेरे को, मैं सीधी सी बात इसलिए उसको बोली थी कि हाँ तेरी शादी के लिए मैं राजी हूँ रे, मेरे को एसी देंगे तो मतलब उसको देंगे तो मैं रखूंगी। उसने बोला था कि तू रख ले। अभी तू भुखमर रिच है पूरी एक नंबर की, यहाँ टेंशन में जी रहा आदमी की साला क्या क्या सोचे। ये साले बाजे बज रहा है, आदमी का दिल ऐसा होता है कि साला क्या क्या सोचा था आदमी ने इसके बारे में। सोची थी जी आगे आगे नाचूंगी उचट उचट के ले चली मैं अपने देवर की भारत लेके, ऐसा वाला गाना में नाचूंगी सोची थी जी। गाना अच्छेगी अब हो गया ना सत्यानाश। क्या बताऊ ना क्या नहीं, वो बाबिया सुनो ना। तो एक काम करेंगे अपन, खेत में जाएंगे तुम मुंह से बाजा बजाना, मैं नाच लूंगी। अरे तू वो छोड़, अब मेन टेंशन तो ये हो गई कि हम कहाँ रहेंगे। कहाँ रहेंगे? नया नया जोड़ा है। हाँ है। हाँ और तुमको भी बता दे रही हूँ, जरा ऐसे चड्डा वड्डा मत पहनना जी, कहीं इधर उधर से चड्डी दिख जाती है। क्या बोली? बहु बेटी की जात है, बहू है वो तुम्हारी, जेठ हो तुम। अरे तो काम धंधे में कहाँ जींस का फुल पैंट टी शर्ट ना शर्ट पहन लेगा। अच्छा, लंबे वाले लोअर ले लेना। अरे ऐसे इतने लंबे वाले टी शर्ट पहन लेना। अरे काम धंधे में इतना खुला रहता है तो बढ़िया हवा लगती है। मैं देखो तुमको समझा दे। साला मेरे को टेंशन हो गया वो। अब धड़ने में छोटे तरफ आ जाता था, पिंकी खाना दे करता था, अब चलो बहु बैदी का घर रहेगा तो अच्छा ढुक ढुक के देखना पड़ेगा। उसके आने से तुम क्या बोलोगे? ए पिंकी सुन रही है क्या? खाना देना वो सुन, ये मत सोचे कि बहू बैदी आएगी तो मैं तेरे से ज्यादा प्यार में बात करूंगा। जो बात चल रही है जैसा रह रहा हूँ वैसा रहूंगा, उनको रहना है तो रहे तो फूटे यहाँ। नहीं लेकिन थोड़े से देख लेना, और सब साजरी साजरी से हो गया ना वहाँ। अरे हो गया है सब साजरी साजरी, वो तो बाबिया को मैंने रोक लिया। ओ नहीं तो वो तनु का भाई है ना। ओह नो। कौन भाई? अरे उसका भाई वो होगा, मैंने देखी, झटका नाम है उसका। अरे मैं नहीं, वो होता है ऐसा। साला कौन से नक्षत्र में पैदा हो गया है वो क्या मालूम, बड़े झटके दे हम जब तक रहे नहीं। झटके पे झटके, झटके पे झटके, झटके पे झटके। बाबा कहने लगा भैया देव का एक रह पड़ा ऐसा, जम के मारा उसको ना। तो नहीं कर दिया।
साली सेमड़ू कुछ भी बोल देती है। अरे धड़ंग धुसंगा है मोटा कट्टा ये दाढ़ी ना भला सुंदर है पर साला अकल का पूरा बंदर है। उसका बाप ने क्या खा के पैदा कर रहा होगा उसको जी जो लेता है। अभी टेमरून खाया होगा बटे ने उसको बुलाना भला एक बार देख लो। अरे तू वो दुनिया भर की छोड़ वो हमारे रहने की समस्या बन गई है। अब बाबू तो उधर सामने छपरी में सो जाता है, हाँ। है? अपन वो अंदर वाले बेडरूम में सोते थे, अब वो नया जोड़ा आएगा तो उनको सोलाना पड़ेगा उधर। भाड़ में तो जाए, मैं मेरा कमरा नहीं देने वाली हूँ उनको, क्या बता रहे हो तुम? Oh, no. तो बंद कमरा है मेरा, देवर एसी लाएगा तो ऐसे लगवा दूंगी। ऐसी तैसी न लाता ना वो। अरे oh, no. ऐसी तैसी मत बोलो ना तुम। नहीं बोल रहा हूँ, वो जो तू नाम ले रही उसको बोल रहा हूँ। इसलिए सबको बोलना पड़ता है मेरा पति बहुत बहुत आगे तक पढ़ा हुआ है। बिना सच्ची बात ज्यादा बताओ करिया, दिमाग खराब करोगे। देख मेरा थोबड़ अगर बिगड़ा बिगड़ा ना फिर मेरे मुंह से अमृत बरसता है। तुम समझते नहीं सुन ले पिंकी, जब तक मैंने सहन कर लिया तब तक। हाँ लेओ जी फोन लगा के बुला, साली रह रहे के तेरे कोई दौरे आते हैं? सुनो तो लेओ जल्दी बुला लो मेरे को ना, काम ढेर भर का होने लगा जरा। सुन वो आएंगे बढ़िया आरती वारती, और वो महक कहाँ है आई है जब से, उसको भी समझा देना छोटी भाभी है उसकी अच्छे से रहेगी। देख हमने सुख दुख झेल लिए चल गया, नई नवेली आएगी तो उनको अपने हिसाब से थोड़ा रहने देना दो चार महीने। तुम कैसे भी करो वो महक को तो मैं देख लूंगी, लेकिन तुम जल्दी बुलाओ जी, खाना वाना बनाएगी कम से कम, मेरे को तो शांति रहेगा। ऐसे साड़ी ऐसे करके बैठूंगी बिल्कुल रोड में। अच्छा देखना तुम अम्मां दी बैठने कैसे जाती हूँ मैं। तू सपने ही देख हो गया, वो घर की बड़ी कोई पूरा झेलना पड़ता है शुरू से लेके आखिरी तक। हाँ वो तो संभालूंगी मैं बाबूजी को बोल दूंगी। वो तो पानी लेके आई थी तो ऐसी दूर से बाबूजी के पैर पड़े ऐसे ऐसा नहीं की पल्ला डाल ऐसा करे ऐसे कर ले। अभी अक्कल नहीं है ना। अरे काय की अक्कल फिर मेरे मुंह से, तेरे को बताया ना अमृत निकलता है। अरे जी तुम्हारी बहू है जी, ऐसा नहीं बोलते। आओ ठीक है तुम जो भी बोल रहे हो तू बता देना, तेरे जेठ बड़े गरम खून के हैं कहना, उनसे ज्यादा बात मत करना और पर्दा डाल के ही रहना कहना, नहीं तो टोक देते हैं कहना। हां पागल जैसे क्यों बोलते हो तुम, कोई भी सुन लेगा गरम खून के बोलते हो पगला जैसे हो। ओ नो तो सभी गुस्से क्यों लेती है, क्या ऐसे लू जी गुस्सा वाला है ये बोलो। अरे बात एक ही है ना यार, साजरी से रहना चिल्लाना मत, अगर तुम्हारे भाई इनको चिल्लाना तो तेरे एक करने जाना कोंटे में दे चिल्लाना उनको, उसके सामने मत चिल्ला, नहीं तो क्या सोचेगी वो मेरे पति को ऐसे चिल्लाता है, अलग करवा दी तो और आफत नहीं हो जाएगी अपनी। अरे रह रहे तो oh, no. बड़ा वो का है इतनी है उतनी है, जाके वही लमजड़िया रहता जी। मैं सोचती हूँ जी अपने परिवार सब एक खट्टे मिलजुल के रहे, कल को अलग कर दी तो। अरे तो वो भी तो उस लायक रहे, कब तक सहेगा फिर, अभी यार आने तो दे उनको। दुनिया भर के आगे की सोच लेती है, तेरे घर की तू साइनी है, सारा सिस्टम तेरे को बना के रखना है। हाँ। और बुड्ढे को मैं समझा दूंगा अच्छे से, नहीं तो वो भी अपनी कहानी लगा के बैठ जाए वहाँ। जान तो दे, चलो अब खाना वाना देती जा, मेरे लिए एक गिलास पानी ला, हालक सूखने लगी आदमी की साली। काय के लिए बोलते हो इतना ज्यादा, तू तो साली लपलप पूछती है। दहेज से मतलब रखो और बहू से मतलब रखो, आएगी दहेज लाएगी और काम करेगी, समझ रहे हो? अरे छोड़ना यार, पिंकी जैसे सोच रखो जी, समझ रहे हो? भाई तेरे को नाम पकड़ेंगे लोग, मेरे को कछु नाम नहीं पकड़ते, तुझे पानी लाएंगे बड़ा। दहेज के पीछे पड़ी है यहाँ, आदमी सोचता है कि दहेज प्रथा बंद होना चाहिए, आयर प्रथा बंद होना चाहिए, ये साली हमारे यहाँ की कहाँ दहेज दहेज दहेज, तेरे बाप ने कितना दिया है तो बड़ी दहेज की बात करती है साली। oh, no. खबराया हो रहा है तो मैं फिर किसी की नहीं सुनता, अपने बाप की तो सुना ही नहीं आता, नहीं सुनता। लाना पानी लाना वो क्यों नहीं बुलाया बाबू ने, बाबू ने अपने को शादी में बुलाया नहीं, इसलिए तो बाजू वाले क्या गए थे अपन। हाँ ना तो मेरे को पता था, मेरे को पता था यहाँ ये अपने यहाँ बाबू का शादी रहा होगा, बड़ा हेड साहब वो। हाँ उसको पता था कि अपन नाचेंगे, खाली दाल चावल बनाया था उसने, बनवाया था इसलिए अपन बाजू वाले के यहाँ शादी में, इतना टेस्टी टेस्टी जलेबी बनी थी वहाँ। सही है तू पढ़ रही है, ये पढ़ने नहीं दे रहा था। एथिलीन डाइरेक्ट कितने बार बोला हूँ, जिसमें दिमाग नहीं रहता वो स्कूल जाता है करके। oh, no. ले देखे काफी पुस्तक चला उधर बैठने दे। कैसा होता है तो? अबे तो कुछ तैयारी वैयारी करो ना भाई, काहे की का वो एक बांगो को समझा समझा के थक गया हूँ मैं। काहे की तैयारी ये तो बता दे। हाँ परीक्षा की तैयारी कर रही है, नहीं है कॉलेज की, तेरी भाभी आ रही है मंजली वाली। हाँ हाँ सोनिया गिन आ रहे हैं तो बढ़िया आरती वारती सजा सुजा के थोड़ा सा आज बस तैयारी करेंगे, दूसरे दिन से वो काम करेगी, बता दे रही हूँ मैं, कुछ नहीं करने वाली मैं, काम वाम करने दो चार दिन ज्यादा काम नहीं कराते ना रे, नहीं बहू से
दो चार दिन नहीं यार, ज्यादा हो जाएगा भैया। देखने दिखाने के लिए रे, क्या दो चार दिन निकलवाएंगे फिर बर्तन मंजवाएंगे। बर्तन आ जाए, मतलब शाम से चालू कर देगी। हाँ तो अभी रात पड़ी खाऊंगा मैं तो। भैया एक आध गिलास में पानी पीना बंद, चार पांच गिलास निकालूंगी पानी पीने के लिए। कहाँ के निकालेगी? घर घर में नहीं है अपने गिलास क्या? गिनती का तीन धुलवाने के लिए, धुलवाने के लिए तो बाजू वाले के हाथ से भी लेके आऊं। गिलासों की ऐसी होने वाली है। ग्लास अभी भी अंदर रखे हैं? नहीं गा, उन्हीं में तो पी रहे हैं। तो कौन सा खाते हैं, पीते ही तो हैं, मुंह तो लगाते हैं। तू तो ऐसा बता रहा, घिस जाते होगे। ऐसे नहीं घिसेंगे, रोज मलते हैं तो। मत मालो, धुल लो। तू पढ़ी लिखी है फिर भी तेरे को अकल नहीं है क्या? अरे साबुन बचता है, हमको ऐसा पढ़ाते थे क्या? घिसना नहीं ज्यादा, धुल लिए काम करे खत्म। साबुन बच गया, अपना पैसा बच गया। अरे तो घर में चूल्हे में राख होती, उससे घसो ना। काय को घसना, पानी है ना। अभी राखड़ से धोती है ना, पहरा लगा के का? हाँ मैंने भी देखी थी। साले लाल बाप, तो कैसा होता है? कब अकल आएगी? आ गई, मेरे को अकल आ गई। पता है मैं ना सुनतोगा, और तू ना गलती कर रहेगा। डीजे वीजे ना बुलवा लेता गा। अरे छोड़, जो हो गया हो गया, चलो अब उठो तैयारी करो। भाभी ने कुछ नहीं करी और खुद। अरे वो तो वो क्या एसी क्या कहते हैं? हाँ वो एसी है, हवा आती है। वैसा वैसा चलो तैयारी व्यारी करो, बढ़िया आरती आरती सजाना। तो तू भी तो ऐसा टकला महाराज, तू ऐसा करते रहता है का? बाबा यार बता, मार मार के ककुम्बर नहीं बना दिया साले को? ओह नो, मेरा भी नाम रामकिशन नहीं। अब भी तेल रगड़वाता हूँ और पीछे पीके मारन की ऐसी तैसी। अब तो देख रहा हूँ साले की रास्ता। अब जाए राम कोट साला, मजबूत है ये, ऐसी तैसी इसकी। सामने देखता हूँ पता आएगा तो।